दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर डेटा साइंस फील्ड में करियर कैसे बनाएं, तो इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताऊंगा जहां से आप घर बैठे डेटा साइंस सीखकर डेटा साइंस फील्ड में एक हाई पेइंग जॉब पा सकते हो। इंडियन आईटी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल स्पीड से ग्रो कर रही है। फरवरी 22 टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखो, 2026 तक $350 बिलियन हिट करने वाला है इंडियन आईटी इंडस्ट्री। ऑलरेडी 4.5 लाख नए जॉब्स क्रिएट हो गए हैं। हम लोग इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के एरा में जी रहे हैं, सबके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है, चारों तरफ मैसिव लेवल पर डेटा क्रिएट एंड कंज्यूम हो रही है। 2020 में एक रिसर्च से पता चला था हर एक ह्यूमन एवरी सेकेंड 1.7 MB डेटा क्रिएट कर रहा है। हर दिन 360 बिलियन ईमेल भेजे जाते हैं और 5 लाख डेली ट्वीट होते हैं। अगर केवल YouTube की बात करें तो एवरी मिनट 500 घंटे से ज्यादा का वीडियो YouTube पर अपलोड हो रहा है। ऐसे ऐसे लाखों एक्टिविटी हो रहे हैं और मैसिव लेवल पर डेटा क्रिएट किया जा रहा है। 2025 तक ग्लोब डेटा 200 प्लस ज़ेटाबाइट क्रॉस कर देगा। 1 ज़ेटाबाइट में 1 ट्रिलियन GB होता है। और आपको पता ही होगा, डेटा इज न्यू ऑयल। डेटा इज द न्यू ऑयल, क्योंकि जिस तरह ऑयल 20th century सदी में इंजन चलाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, आज वैसे ही डेटा इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। दुनिया की जितनी कंपनीज हैं उनके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि इन रॉ डेटा को एनालाइज करके यूजफुल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स निकाला जाता है, ताकि कंपनीज अपने ग्रोथ के लिए कस्टमर के बिहेवियर, इंटरेस्ट, एक्शन को ट्रैक करके सही डिसीजन ले पाए। अब ये रॉ डेटा बहुत वास्ट और कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग एनालिस्ट सिस्टम इसे हैंडल नहीं कर सकती। तो इस वास्ट डेटा को प्रोसेसिंग करके यूजफुल, इंटरेस्टिंग इनसाइट्स निकालने के लिए डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। अब डेटा के साथ काम करने वाली कंपनीज की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए डेटा साइंस फील्ड में बहुत जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे, US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2026 तक डेटा साइंस इंडस्ट्री में 11.6 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट हो सकती है। इस फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। डेटा साइंस दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन गया है, लेकिन इस फील्ड में जॉब्स तो बहुत हैं, बट स्किल्ड कैंडिडेट्स बहुत कम हैं। तो अगर आप भी इस फास्ट ग्रोइंग, हाई इन डिमांड डेटा साइंस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नॉन आईटी फील्ड से आईटी फील्ड में आना चाहते हैं, करियर लॉन्च करना है आपको, तो लिटरली डेटा साइंस फील्ड काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है सभी एस्पिरेंट्स को। आजकल की कंपनी सिर्फ आपका स्किल और एक्सपीरियंस देखती है, ना कि डिग्री। इसीलिए नॉन आईटी प्रोफेशनल्स भी डेटा साइंस सीखकर आईटी फील्ड में एज डेटा एनालिस्ट्स, डेटा विजुअलाइजर बनकर काफी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। करियर स्कोप की बात करें तो डेटा साइंस फील्ड में अलग अलग स्किल सेट के अकॉर्डिंग कई इंटरेस्टिंग जॉब रोल्स हैं। जैसे अगर आपका एप्टीट्यूड कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के लिए स्ट्रांग है, तो आप एक मशीन लर्निंग या डेटा इंजीनियर बन सकते हो। और अगर आपका मैथ, स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग है, प्रोग्रामिंग भी मैनेज कर सकते हो, तो आप एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट और डेटा मॉडलर बन सकते हो। और अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो आप बेसिक टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करके डेटा एनालिस्ट या डेटा विजुअलाइजर बन सकते हो। दोस्तों इन जॉब्स पर जो एवरेज सैलरी होती है वो 6 लाख पर एनम से 20 लाख पर एनम तक होती है। अब सवाल ये उठता है, ठीक है डेटा साइंस में जॉब्स और करियर स्कोप बहुत है, बट सीखे कहाँ पर और सीखने के बाद इंटरव्यू प्रेपरेशन और जॉब कैसे मिलेगी? तो इसके लिए आपका हेल्प करेगा ऑडेन स्कूल का ये 6 मंथ्स का डेटा साइंस बूट कैंप प्रोग्राम। ऑडेन स्कूल डेटा साइंस सीखने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ से कोई भी पर्सन इंडिया के किसी भी स्टेट से ऑनलाइन घर बैठे डेटा साइंस सीख कर जॉब पा सकता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी कॉलेज से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किए हो या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, तो आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज 21 से ज्यादा होनी चाहिए। इस पूरे डेटा साइंस बूट कैंप का ड्यूरेशन 6 मंथ्स का है। ये एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। यही अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या आप एक स्टूडेंट हो, तो आप स्टडी या जॉब के साथ साथ में इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसकी क्लासेस लाइव ऑनलाइन रहेंगी, हर वीकेंड पे रहेंगी, और इसमें इंटरव्यू प्रेपरेशन भी कराई जाएगी। जैसे वॉक इन इंटरव्यू कैसे देना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाना है, वो भी सिखाया जाएगा। वर्कशॉप्स के थ्रू बिहेवियरल स्किल्स इंप्रूव किया जाएगा। ये बिहेवियरल स्किल्स आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कप्लेस में इफेक्टिवली वर्क करने के लिए। आजकल कंपनीज बिहेवियरल स्किल्स भी चेक करती हैं इंटरव्यू के दौरान। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं डेटा साइंस फील्ड से, उनके साथ आपकी लाइव इंटरैक्टिव सेशंस भी रहेंगी और हर वीकेंड रिगरस क्लासेस रहेंगी। इस बूट कैंप में आपको प्रोजेक्ट बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग प्रोवाइड किया जाएगा। आपके 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ओडिना स्कूल आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये वो सभी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बूट कैंप को ज्वाइन करके सक्सेस पाई। इनकी स्टोरी आप सुन सकते हो। सिलेबस की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो पूरा बूट कैंप का करिकुलम मेंशन्ड है। स्टार्टिंग 1st 2 मंथ्स में कोर करिकुलम रहेगा, जिसमें डेटा साइंस सेटअप और SQL सिखाया जाएगा।
फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स चूज स्पेशलाइजेशन, इसमें आप कोई भी एक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो कि आपको डेटा विजुअलाइजर बनना है या डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आप यहां से ब्रोशर डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर बूटकैंप की आउटकम्स की बात करें, आप देख सकते हो एक्वायर द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स टू प्रोपेल योर करियर इन डेटा साइंस, हियर यू कैन रीड आउटकम्स इन डिटेल। तो ये पूरा जो कोर्स है इट इज अलाइंड विद इंडस्ट्री इन टुडेज टाइम्स। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं जो अभी अभी जॉब सर्च कर रहे हो या आपका ग्रेजुएशन हो चुका है बट जॉब नहीं मिल पा रही है, कोई इन डिमांड हाई पेइंग स्किल्स सीखकर आईटी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी सीवी में अभी गैप आ गया है, आपको अपना करियर रीस्टार्ट करना है, तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर हम इसकी फी की बात करें तो इस बूटकैंप की फी है 90,000 प्लस GST। इसमें स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन है जिसके लिए आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट में जितना आप स्कोर करते हैं उसी के बेसिस पर आपको अप टू 30,000 तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आप ये 90,000 की फी एक बार में पे नहीं कर सकते तो नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ऑर्डन स्कूल के इस डेटा साइंस बूट कैंप का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके इस लैंडिंग पेज पर आ जाओगे, फिर यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अप्लाई पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में एडमिशन टेस्ट देना है आपको। 15 मिनट का टेस्ट होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं। इस स्कोर के बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा जो कि 30,000 तक आप अवेल कर सकते हो। इसके बाद पेमेंट करके आप बूट कैंप प्रोग्राम में तो एनरोल कर सकते हो। फिर जो भी नेक्स्ट बैच होगा, जैसे अभी के लिए जुलाई का बैच है, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो जुलाई के बाद देख रहे हैं तो जो भी लेटेस्ट बैच है आप उसमें एनरोल हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये लोग 10 डेज रिफंड पॉलिसी भी दे रहे हैं। अगर किसी वजह से आपको अनसेटिस्फैक्ट्री लगता है तो आप फर्स्ट 10 डेज के अंदर रिफंड के लिए रिक्वेस्ट देकर 100% मनी रिफंड पा सकते हो। तो ये एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है डेटा साइंस प्रोफेशनल बनकर हाई पेइंग जॉब पाने का। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मैंने पूरा ट्राई किया है इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो कमेंट में जरूर पूछें, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।